कालराज को अपने सामने देख कालनाथ अपना आपा खो बैठा था। खुद का इतना अपमान और अपनी पत्नी पर टिप्पणी की वजह से वो गुस्से में उबल रहा था। वह कालराज जानता था कि कालनाथ ऐसी बातें सुनकर बाहर जरूर आ जाएगा। अब वो युद्ध करने के लिए बेचैन हो उठा था। कालनाथ को देखकर कालराज बोला, आओ मेरे प्रिय बंधु, बहुत देर लगा दी बाहर आने में, तुम्हारे रक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरे प्यासे शस्त्र। कालनाथ पहले से ही बहुत गुस्से में था और कालराज की बातें सुनकर वो बोला, अपना मुंह बंद कर कालराज, और जो शस्त्र उठाए हैं उन्हें चला। ये कहकर कालनाथ ने अपने अत्याधुनिक धनुष से कई बाण एक साथ कालराज पर बरसाने शुरू किए। कालराज ने तुरंत ही अपने आगे अपनी राक्षसी शक्तियों से एक कवच बना लिया। कालनाथ के द्वारा छोड़े गए सारे बाण इस कवच पर आकर टकरा गए, पर एक भी इस कवच को भेद ना पाया। कि देखकर कालराज जोर जोर से हंसने लगा, पर हंसते हंसते उसने अपनी राइफल निकाली और कालनाथ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। ये गोलियां सीधे कालनाथ की ओर जा रही थी। इस कवच की खासियत ये थी कि बाहर से आने वाली चीजें तो ये रोक लेता था, पर अंदर से बाहर जाने वाली चीजों को ये कवच आसानी से जाने देता था। वहां अरमान और बुआ को राक्षसों की बातों से पता चल गया कि कालकूट विष को वापस से सक्रिय करने की कोशिश की जा रही है। ये सुनकर अरमान और बुआ ने ठाना कि कालकूट विष को निष्क्रिय करना चाहिए, इसलिए बुआ और अरमान कालकूट विष की दिशा में चल पड़े। रास्ते में उन्हें कई राक्षसों का सामना करना पड़ रहा था। अरमान बड़ी ही आसानी से राक्षसों को काट रहा था। बुआ भी अपने राक्षसी अवतार को पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल कर रही थी और आगे आने वाले हर राक्षस को चुटकियों में खत्म कर रही थी। अरमान और बुआ देखते ही देखते अच्छी गति से आगे बढ़ रहे थे। उन्हें लगा कि बस कुछ ही देर में वो कालकूट विष के पास पहुंच जाएंगे, पर कुछ और आगे बढ़ते ही अचानक उनके सामने सेनापति चंद्रहास आकर खड़ा हो गया और उनके साथ खड़ी थी कालनाथ की पत्नी। वैसे तो कालनाथ की पत्नी बहुत ही शांत स्वभाव की थी और हमेशा युद्ध को टालने की कोशिश करती थी, पर आज बुआ को सामने देख और कालकूट राक्षसों पर आया ये खतरा देख कालनाथ की पत्नी भी लड़ने के लिए तैयार हो गई थी। आखिर वो भी एक राक्षसी थी। वो दौड़कर बुआ की ओर झपट पड़ी। बुआ उसके पहले कुछ वारों से खुद को बचाने में कामयाब रही, पर शुरुआत में ही बुआ को ये पता चल गया कि वो कालनाथ की पत्नी को जैसा समझती थी वो वैसी नहीं थी, वो उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। बुआ ने उसे अब गंभीरता से लड़ना शुरू किया। साथ ही साथ जब अरमान सेनापति चंद्रहास की ओर दौड़ा, सेनापति वहां से बिल्कुल नहीं हटे और अरमान की आंखों में देखकर मुस्कुरा रहा था। अरमान सेनापति चंद्रहास के पास पहुंच पाता और उन्हें कुछ भी हानि पहुंचा पाता, उससे पहले ही कई सारे बौने राक्षसों ने अरमान पर हमला बोल दिया और अरमान इन्हीं बौने राक्षसों से लड़ने में उलझ गया। ये राक्षस कद में बहुत बौने तो थे, पर इनकी ताकत इनकी तादाद थी। अरमान इन बौने राक्षसों के साथ भी उसी बहादुरी से लड़ रहा था और उन्हें एक के बाद एक मौत के घाट उतार रहा था। पर धीरे धीरे अरमान को यह समझ आने लगा कि इन बौने राक्षसों की संख्या तो कम ही नहीं हो रही थी, किसी कीड़े मकौड़े की भांति उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही थी। अरमान अब थोड़ा थकने लगा। बौने राक्षसों की तादाद धीरे धीरे बहुत बढ़ती जा रही थी। वो हर दिशा से आ रहे थे और सीधे अरमान की ओर जा रहे थे। अरमान जिस तेजी से इन बौने राक्षसों को खत्म कर रहा था वो उसकी दुगनी तेजी से अरमान की ओर आ रहे थे। अरमान ने इन बौने राक्षसों को हजारों की तादाद में खत्म कर दिया था, पर इनके रुकने की संभावना अभी दिख नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद अरमान का शरीर भी नहीं दिख रहा था। वो इन बौने राक्षसों के नीचे दब चुका था और बहुत ही ज्यादा थक चुका था। धीरे धीरे बौने राक्षसों ने अरमान को बांधना शुरू किया और देखते ही देखते अरमान को बंदी बना लिया। उस तरफ देवों की एक टुकड़ी अपनी पूरी क्षमता के साथ समुद्र में छोड़े गए लाखों करोड़ों जहरीले सांपों को नियंत्रित करने में लगी थी, क्योंकि अगर इन सांपों ने अपना जहर उन मछलियों में पहुंचा दिया जिनको मानव खाते हैं तो पूरी दुनिया में कई मौतें होंगी। ये कोई साधारण सांप नहीं थे,
ये दुनिया भर के सबसे विषैले सांपों को एकत्रित करके रखे हुए विशेष सांप थे। इनके काटने पर सारे समुद्री जीव और समुद्र के किनारे रहने वाले लोग पल भर में ही मर जाते। देवों ने अपनी दिव्य शक्तियों से एक बहुत ही विशाल जाली बनाई, जिसके छेद इतने छोटे थे कि उनमें से सांप निकल ना पाए, और वो जाली इन्होंने समुद्र में फेंक दी। जाली का दूसरा सिरा इन्होंने अपने हाथ में रखा। कुछ ही देर बाद जाली में बहुत सारे सांप जमा हो गए और वो उस जाली को आगे खींचने की कोशिश कर रहे थे। देवों ने भी अपनी सारी ताकत लगाकर उस जाली को पकड़ रखा था, पर सांपों की संख्या उस जाली में धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। दूसरी ओर देवों की एक टुकड़ी सिर्फ द्वीप से निकलने वाली मिसाइलों को रोकने में लगी थी। इनमें से वे कुछ मिसाइलों को तो रोक पा रहे थे, पर कुछ मिसाइलें उनके काबू में नहीं आ पा रही थी। वे मिसाइल जो नहीं रुक पाई थी, वो मिसाइलें धरती पर अलग अलग देशों में जाकर गिर रही थी। धरती पर एकदम हाहाकार मच गया था। जिस भी देश में मिसाइल जाकर गिर रही थी, उस देश को लग रहा था कि उसके दुश्मन देश ने मिसाइल गिराई थी। हर देश के मीडिया में यही बात चल रही थी। इसी वजह से कई देश अपने दुश्मन देशों पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। मीडिया में न्यूज चैनल्स पर ये ऐसी बातें चलने लगी, पड़ोसी मुल्क ने किया बहुत बड़ा दगा, बिना किसी कारण हम पर आक्रमण कर दिया, अब तो ईंट का जवाब पत्थर से देना ही होगा। तो कई जगह पर ऐसी खबर चल रही थी। एक साथ कई देशों ने अपने दुश्मन मुल्क के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है, क्या ये विश्व युद्ध की शुरुआत है? ये बात किसी तरह विजय देव तक पहुंच गई और उन्हें इस बात की चिंता होती है कि कहीं धरती पर रहने वाले मनुष्य आपस में जंग ना छेड़ दे और उस जंग में एक दूसरे को ही ना खत्म कर दे। उन्हें पता था कि अगर विश्व युद्ध शुरू हो गया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। विजयदेव ने इस बात पर थोड़ी देर विचार किया और फिर राजन देव को आदेश दिया कि वो कुछ शक्तिशाली देवताओं को लेकर पृथ्वीलोक पर जाए और वहां पर जाकर उन देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का विचार बदले जो देश एक दूसरे पर हमला करना चाहते हैं। इन लोगों का विचारों में बदलाव देवताओं को अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा करना था, वो भी अदृश्य रहकर। इससे परिस्थिति बहुत हद तक संभल सकती थी और दुनिया विश्व युद्ध जैसी विनाशकारी घटना से बच सकती थी। राजन देव तुरंत ही उन देवताओं के साथ मिलकर एक सूची बनाने लगे कि किन किन देशों में जाना था, और सारे देव अलग अलग देशों में जाने के लिए निकल पड़े। उस तरफ बुआ और कालनाथ की पत्नी के बीच घमासान युद्ध हो रहा था। बुआ और कालनाथ की पत्नी दोनों के पास किसी भी तरह का कोई भी अस्त्र या शस्त्र नहीं था। दोनों अपने हाथों से ही एक दूसरे से लड़ रही थी। उनके हाथ जो भी आसपास पड़ा मिलता, वो उसे एक दूसरे की ओर बड़ी ही तेजी से फेंक रही थी। दोनों राक्षसी के अवतार में थी तो उनके नाखून भी बड़े थे। इसका इस्तेमाल एक दूसरे पर वे खुलकर कर रही थी। दोनों एक दूसरे को बड़ी बहरमी से नोच रही थी। धीरे धीरे बुआ को कालनाथ की पत्नी के सारे पैंतरे पता चल गए थे और ये भी पता चल गया था कि वो किस वार पर क्या प्रतिक्रिया देगी। इसी वजह से बुआ धीरे धीरे कालनाथ की पत्नी पर भारी पड़ रही थी। उसके हर वार के साथ बुआ उस पर हावी पड़ रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि बुआ ने उसे उठाकर जोरों से जमीन पर पटक दिया। इससे वो बहुत कमजोर हो गई। अब कालनाथ की पत्नी से उठा भी नहीं जा रहा था। मौके का फायदा उठाकर बुआ ने उसके उठने से पहले ही उसके गर्दन पर पैर रखा और पैर रखकर सेनापति चंद्रहास की ओर देखते हुए कहा, अगर अपनी रानी को सुरक्षित देखना चाहते हो सेनापति, तो अरमान को तुरंत छोड़ दो। बुआ को लगा कि अब बाजी उसके हाथ में थी, लेकिन अचानक से बुआ को पीछे से किसी के जोर से चिल्लाते हुए उसके करीब आने की आवाज सुनाई दी और बुआ कुछ समझ पाए उससे पहले पीछे से एक दूसरी राक्षसी हवा की गति से आई और वो बुआ पर झपट पड़ी। बुआ उसे संभालती उससे पहले बाईं तरफ से एक और राक्षसी आई और दाईं तरफ से तीसरी राक्षसी आ गई। इसी तरह एक के बाद एक 7 से 8 राक्षसी वहां पर आ गई। बुआ ये देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित थी। तब सेनापति चंद्रहास ने उन राक्षसियों के सामने अपना सर झुकाया और उन्हें महारानियां कहकर संबोधित किया। तभी बुआ को समझ में आया कि ये राक्षसी कालनाथ की दूसरी पत्नियां थी। कालनाथ की 8 पत्नियों ने एक साथ बुआ पर धावा बोल दिया था।
बुआ सबसे एक ही साथ लड़ रही थी। किसी एक से लड़ने जाती तो कोई और वार कर देता। बुआ अब हर तरफ से घिर गई थी और सेनापति चंद्रहास ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। अभी कुछ देर पहले बुआ को लग रहा था कि वो अरमान को छुड़ा लेगी, और अब वो खुद बंदी बनने के कगार पर आ खड़ी थी। बुआ के पूरे शरीर पर घाव थे, उसमें से खून बह रहा था। बुआ की सांसें फूल चुकी थी, पर बुआ फिर भी लड़ रही थी। देखते ही देखते कालनाथ की पत्नियों ने बुआ को भी बंदी बना लिया। सेनापति चंद्रहास ने राक्षसों को आदेश दिया कि अरमान और बुआ को अगल बगल की कालकोठरी में बंद किया जाए। वहां कालनाथ और कालराज दोनों के आधुनिक हथियार अब किसी काम के नहीं थे। एक की गोलियां खत्म हो गई थी तो दूसरे के धनुष के बाण। तभी कालराज ने अपनी राइफल अपने ही रथ में फेंक दी और गदा उठाई। गदा उठाकर वो रथ से नीचे उतरा और तेजी से कालनाथ के रथ की ओर बढ़ने लगा। ये देख कालनाथ को भी बड़ा जोर आ गया और उसने भी अपना धनुष नीचे फेंका और अपनी गदा उठाकर रथ से नीचे उतरा और उतनी ही तेजी से कालराज की ओर बढ़ रहा था। दोनों को जैसे ही अपने अपने रथों से उतरते हुए दोनों सेनाओं ने देखा, वैसे ही सबका ध्यान बस उन दोनों पर लग गया। इतने बड़े योद्धाओं का युद्ध देखने की संधि रोज नहीं आती थी, इसलिए सबकी नजर बस इन दोनों पर गढ़ी हुई थी और कईयों ने ये देखने के लिए युद्ध तक रोक दिया था। ये देखकर कालनाथ ने चलते चलते उन्हें डांटते हुए कहा, यहां कोई नाच नहीं चल रहा है, युद्ध पर ध्यान दो। कालनाथ और कालराज दोनों ही एक दूसरे के करीब आ पहुंचे और दोनों की गदा एक दूसरे से टकराई और इस आवाज से सारा परिसर गूंज उठा। दिखने में दोनों ही एक दूसरे से एकदम मिलते जुलते से, दोनों की कदकाठी, दोनों की शक्तियां, दोनों के शरीर का रंग, दोनों के बाल बहुत ही मिलते जुलते थे। अगर कोई गौर से ना देखे तो ऐसा लगता कि दोनों जुड़वा भाई थे। दोनों की ताकत भी लगभग समान ही थी, कोई किसी से ताकतवर नहीं था, इसलिए ये युद्ध बहुत लंबे समय तक चलने की आशंका थी। दोनों की गदा एक दूसरे से टकरा रही थी और उसकी गूंज चारों तरफ उठ रही थी। युद्ध करते करते दोनों ने एक दूसरे को कई जगहों पर फेंका, कभी पानी में तो कभी पहाड़ों पर, कभी रथ पर तो कभी पेड़ों पर। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए द्वेष, नफरत और बदले की भावना साफ दिख रही थी। कालनाथ और कालराज के बीच में जब द्वंद्व चल रहा था, तब आकाश में खड़े हुए विजयदेव के मन में ख्याल आया, ये युद्ध बहुत ही लंबा खिंच रहा है। जब इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, तब मैं कालनाथ के ऊपर यहीं से अपने अमोघ बाण से वार करता हूँ, जिससे उसका अभी खात्मा हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि ये बात कालराज को पसंद नहीं आएगी और वो इसे अपने मान पर ले लेगा, लेकिन इसकी मुझे परवाह नहीं, क्योंकि इस वक्त कालनाथ का मरना जरूरी है। ये सोचकर विजयदेव ने अपने धनुष पर अमोघ बाण का संधान किया और कालराज के ऊपर निशाना साधने की कोशिश करने लगा, लेकिन दोनों इतनी तेजी से दूसरे के साथ लड़ रहे थे कि विजयदेव को अपना बाण छोड़ने का मौका ही नहीं मिल रहा था। उस तरफ अपनी गदा को जोर से कालराज की ओर घुमाते हुए कालनाथ ने उससे कहा, तुमने हमेशा से ही हमारे साथ धोखा किया है। और वो मारते मारते आगे बढ़ रहा था, पर कह रहा था, जो हमारा था वो तुमने धोखे से अपने पास रख लिया है। इस पर कालराज ने बोला, हमने किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया, हमने जो हमारा था वही लिया है। तुमने हमारे साम्राज्य पर गलत नजर रखी थी, पाताल राज का जो राजपाट था उसका हकदार तो मैं ही था, क्योंकि मेरे पिता से ही विरासत में वो मुझे मिलने वाला था। हमारे चाचा श्री इस सिंहासन के असली हकदार नहीं थे, मेरे पिता के बाद मेरा ही समय आने वाला था, लेकिन तुमने कपट किया और तुम बीच में आए। ये बातें चलते हुए भी वे एक दूसरे पर बहुत बुरी तरह वार कर रहे थे। एक दूसरे को मारते मारते वो दोनों कीचड़ में आ गिरे और उनका पूरा शरीर कीचड़ से लथपथ हो गया। दोनों तुरंत ही वहां से बाहर निकले और कीचड़ से लथपथ अवस्था में ही एक दूसरे के साथ फिर से द्वंद करने में लग गए। अब दोनों ही कीचड़ में लथपथ थे, इसी कारण किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि कालनाथ कौन और कालराज कौन। कालनाथ और कालराज में युद्ध का परिणाम क्या होगा,
अरमान और बुआ दोनों बंदी बन चुके थे। इसका परिणाम क्या होगा? क्या राजन देव पृथ्वी पर विश्व युद्ध होने से मानव लोक को बचा पाएंगे? क्या विजय देव आकाश से कालनाथ को मारने में सफल हो पाएंगे? क्या कालकूट विष को वातावरण में छोड़ने से कोई रोक पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए फना।